हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आपको जेन्युइन नॉलेज देना, आपको वो सच पता होना, वो रियलिटी, वो एक्सपीरियंस बातें आपको जो पता होना आपके स्कूल टाइम में, आपके लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो पांच बातें जो आपको स्टूडेंट के लाइफ में पता होने चाहिए। वो पांच बातें जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हों, जब आपके एग्ज़ाम चल रहे हों, ये पांच बातें कहने का मतलब आपको स्टूडेंट लाइफ में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो पाँच बातें हैं, जो पाँच रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। दोस्तों, ये पाँच रूल डिपेंड करते हैं कि आप इन रूल को इस्तेमाल करके क्या बनोगे। दोस्तों, अगर आपके कोई सपने हैं, आपके ड्रीम है, अगर आपके कोई एम है, अगर आप बनना चाहते हो ट्वेल्थ के पास, ट्वेल्थ के बाद, तो दोस्तों ये जो पांच रूल है बहुत ही डिपेंड करते हैं। तो और ये दोस्तों बात करते हैं, ये थ्री मंथ आपके जो बचे हैं, आपके थ्री मंथ बाद आपके एग्ज़ाम है 2020 CBSE बोर्ड। तो दोस्तों, इन थ्री मंथ में आपको ये पाँच बातों का जरूर ध्यान देना है। और दोस्तों, ये जो पांच बातें हैं, दोस्तों ये पांच बातें हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो पांच रूल हैं, ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। दोस्तों, इसी का अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, तो दोस्तों आई एम श्योर कि 110% आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनोगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो पाँच रूल है, ये हम कह सकते हैं कि एक हैबिट है। ये हैबिट दोस्तों आपको इम्प्लीमेंट करनी है, डेली फॉलो करनी है, ये इम्प्लीमेंट करनी है आपको, अपने लाइफ में लागू करनी है। दोस्तों, बात करता हूँ कि रूल नंबर वन दोस्तों जो कहता है कि कैपेसिटी, मतलब कहने का मतलब है कि आपको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। आप कितना पढ़ते हो ये आपको पता होगा, आप टाइम वेस्ट कितना करते हो ये आपको पता होगा। दोस्तों, अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप थ्योरी में अच्छे से समझ में नहीं आती है, दोस्तों आपको अपने वो इंक्रीज करनी है, आपको समझना है। वन बार, टू बार, मतलब कि आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो। कि दोस्तों, सबके अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई बंदा एक बार बुक पढ़ता है उसको समझ में आती है, कोई बंदा दो बार तीन बार पढ़ता है तब उसको समझ में आती है। तो दोस्तों, हर बंदे की डिफरेंट डिफरेंट सी वैल्यू होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके एक कैपेसिटी लिमिट, अगर आप वन आवर ही स्टडी करते हो दोस्तों, तो आपको उसको इम्प्रूवमेंट करना है, आपको अपनी कैपेसिटी बदलनी है। आप क्यों पढ़ाई नहीं करते हो, क्यों आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या रीजन है दोस्तों, उन रीजन को दोस्तों आपको जानना है और उसका सोल्यूशन करना है। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि आपको अपने अंदर झांक के देखना है, आपको अपने अंदर को समझना है कि यार यही लाइफ है। आपको अपने आपको चेंज करना है और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। तो दोस्तों, अब बात करता हूं रूल नंबर टू के, जो कहता है डोंट बी सेम। दोस्तों, रूल नंबर टू कहता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, आप कोई से भी क्लासेस लेते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछते वक्त शर्म नहीं करनी है। मतलब दोस्तों, ऐसा होता है कि ज़्यादातर कभी हम इंस्टीट्यूट में ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शर्म के मारे पूछता ही नहीं है। उसके दिमाग में इनफैक्ट ये चल रहा होता है कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, अगर टीचर मुझे दोबारा से बोल देगा, टीचर मुझे बोलेगा बेवकूफ, इतना सा क्वेश्चन नहीं आता, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आता। तो दोस्तों, इसी शर्म के मारे, इसी डर के मारे स्टूडेंट, आधे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। दोस्तों, क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है, उसको एक बात देखना, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, वो हमेशा ये पूछता है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, मुझे दोस्तों सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया, सर बता दो कैसे होगा। दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, तो दोस्तों बात ये है कि आपको पूछना है, आपको शर्म नहीं करनी, आपको डरना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, स्कूल लाइफ में आपको ये बात 100% पता होनी चाहिए कि आपको शर्म नहीं करनी है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना भी आसान हो, चाहे कोई सा भी टेबल हो, आपको दोस्तों पूछना है। अगर आप, लेकिन दोस्तों अगर आप वो क्वेश्चन पूछते हो फिर आपको नहीं समझ में आता, तो दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, लेकिन एक बार समझने के बाद आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको दोबारा ना भूलें। आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। रूल नंबर थ्री दोस्तों जो कहता है कि आपको अपने फ्यूचर में क्या बनना है, आपको क्या एम है, आपको ये डिसाइड करना है ये ट्वेल्थ लाइफ में ही। क्योंकि दोस्तों, आपको जो एम है, अगर आपको पहले से पता रहेगा, तो दोस्तों आप उसी के बेस पे आप स्टडी करोगे। तो दोस्तों, अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हो, टेंथ क्लास में हो, तो दोस्तों आपको एक एम डिसाइड करना है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, इस फील्ड में जॉब करूंगा, या मुझे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है, या मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, या मैं बैंक में लगूंगा, या मैं लॉयर बनूंगा। दोस्तों, अगर आप कोई सी फील्ड में हो, ये नहीं कह रहा कि मैं स्टडी की ही बात करूँ, मैं बात कर सकता हूँ इसे आर्टिस्ट की कह सकता हूँ, एक्टर की कह रहा हूँ, कॉमेडी हो, चाहे यूट्यूबर हो, कुछ भी दोस्तों, सोशल वर्क हो। दोस्तों, अगर आपको जो भी एम है, अगर आपको जो बनना है, तो दोस्तों आपको ये अभी से समझना होगा, और उस समझने के लिए दोस्तों आपको भी स्टडी करनी होगी, और आपको उसको एक प्लानिंग करनी है, एक स्ट्रक्चर बनाना है कि मैं इसको कैसे करनी है। इसके बारे में दोस्तों आपको अभी से जानना है कि इस फील्ड में कितना होता है, उसका प्रोसेस आपको जानना है कि प्रोसेस क्या है। अगर मैं ये करना चाहता हूँ, MBA करना चाहता हूँ, MCOM करना चाहता हूँ, तो उसका प्रोसेस क्या है, कितनी फीस लगती है, कैसे करते हैं, कितना टाइम पीरियड है। तो दोस्तों, रूल नंबर थ्री था कि आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको अपने एम जो है उसको फॉलो करने के लिए आपको डिसाइड करना है, और उसके लिए दोस्तों डिसाइड करना है कि क्या बनना है।
तो दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो आपको पता होना चाहिए कि आपको दोस्तों डेली स्टडी करनी है, क्योंकि दोस्तों आपके पास 3 मंथ बचे हैं। ये 3 मंथ दोस्तों बहुत मैटर करेंगे, कि इस 3 मंथ ही डिसाइड करेगा कि आप कितने मार्क्स लाओगे, आप कितने एबल हो, कितने ला सकते हो। दोस्तों ये 3 मंथ में दोस्तों आपको रोज़ पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको 10 आवर 8 आवर स्टडी करो, लेकिन दोस्तों अगर आपके हैबिट नहीं है तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। आप 1 आवर की रोज़ स्टडी करो। अगर आप 30 मिनट्स ही स्टडी करते हो, 30 मिनट ही करते हो, तो कोई बात नहीं करो, लेकिन दोस्तों अगर आप रोज़ पढ़ोगे ना तो आपको एक आदत बन जाएगी। फिर आप सोचोगे यार मैं 30 मिनट पढ़ता हूँ, तो आप दोस्तों उसको गेन करोगे। फिर 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर ऐसे दोस्तों आप स्टडी गेन करोगे, अपना टाइम पीरियड बढ़ाओगे। तो दोस्तों मैं कहने का मतलब ये है कि आपको रोज़ स्टडी करना है, भले ही 1 घंटे ही पढ़ो, रोज़ पढ़ना। अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो दोस्तों आपकी एक आदत सी बन जाएगी और आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो दोस्तों आपको रोज़ पढ़ना है। दोस्तों बात करता हूँ टिप नंबर 5 की, दोस्तों जो कहता है कि आपको रोज़ मॉर्निंग में जब उठना है तो हो सके तो कोशिश करना कि जल्दी उठो, और उन मॉर्निंग में आपको एक पेपर लेके आपके डेली रूटीन पूरे दिन में क्या सब्जेक्ट पढ़ूंगा, क्या करूँगा, वो आपको दोस्तों करना है। और उस दोस्तों आपको कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको टाइम टेबल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। वो बनाना नहीं है दोस्तों, फॉलो करना है। फॉलो ऐसा टाइम टेबल बनाना कि 1 आवर स्टडी, 10 मिनट ब्रेक, 2 आवर स्टडी, 10 मिनट ब्रेक, फिर 3 आवर स्टडी। कंटिन्यू दोस्तों आपको नहीं पढ़ना, आपको दोस्तों लिमिट में पढ़ना है, आपको मजे में पढ़ना है। आपको ये सोचना यार सुबह उठा कोई बात नहीं, आधे घंटे की बुक पढ़ लेता हूँ, फिर थोड़ा बहुत गाने वाने सुन के 1 घंटा फिर पढ़ लूँगा। दोस्तों आपको इन्जॉयमेंट के साथ स्टडी करनी है। आपको स्टडी का बोझ नहीं समझना है कि मेरे को बोझ लग रहा है, आपको भार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं। दोस्तों इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ना है, और आपको ये 3 महीने रोज़ रेगुलरली फॉलो करना है। दोस्तों आपको ये चीज़ बिल्कुल फॉलो करनी है, जो रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी बताया हूँ उस दोस्तों आपको पूरा फॉलो करना है एवरी डे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, और दोस्तों ये जो वीडियो है आपको सिर्फ सुननी नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों आपके लाइफ आपको गेन करनी है, आपको सक्सेसफुल बनना है। तो 110% दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगी अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो, अगर आप इसको यूज करते हो डेली। जय हिंद, वंदे मातरम।